नंद जी का गौशाला है। नंद बाबा समय में 9 लाख गाय रहती थी। इसमें 5 कलर का फूल आता है, लाल रंग का फल आता है। ये नंद बाबा का घर है जिसमें लगे 84 गुंबे। आप गिनती करोगे, गिनती 84 नहीं होगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। मुगल काल शासन में औरंगजेब नामक राजा ने सब मूर्तियों को खंडित किया। ये टूटी पड़ी हुई मूर्ति है। खंबे चिकने पड़े हुए, मक्खन खाते थे कृष्ण, हाथ नहीं धोते थे। ये 4 पिलर ब्रह्मदेव के है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, इनमें सिंबल्स हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के व्लॉग में आया हूँ मैं नंद बाबा के सबसे पुराने मंदिर में। 6000 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। 84 खंभों का घर भी इनको बोलते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण जी का जन्म तो जेल में हुआ था मथुरा में, बट यहाँ पे वो पले बड़े थे, खेला यहीं पे करते थे वो। तो हम आए हैं वहाँ पे, तो अब अंदर चलते हैं। यहाँ हम अंदर, हमारे को इतनी नॉलेज नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ पे गाइड लेने वाले हैं। तो गाइड ले लेते हैं और फिर अंदर चलते हैं उनको लेके नंद बाबा के प्रवेश द्वार महल में। औरंगजेब ने आकर के जब आक्रमण किया तो 6 दरवाजों को तोड़ा, 1 द्वार आज भी बचा हुआ है, प्राचीन द्वार है। पहले इन्हीं द्वारों के माध्यम से जाया जाता था महल में। ये लेफ्ट हैंड पर देख रहे हो लोग, ये नंद बाबा का फोर्ट था, किला था, 7.5 किलोमीटर में। औरंगजेब आया, इसको भी डिस्ट्रॉय किया, इसके अंदर के जो खुदाई हुई मूर्तियों को निकाल करके ले गए। तो ये 7.5 किलोमीटर में इसका विस्तार था। तो ये नंद बाबा का किला हुआ करता था, जो नंद बाबा समय में 9 लाख गाय रहती थी। मथुरा का लड़की, गोकुल का गाय, करम भाग्य फूटे दूसरा गाँव को जाए। तो हम नंद जी के जो सबसे पुराना घर है उसके उसी रास्ते पे चल रहे हैं, उनके घर का। वो जो आप, ये कृष्ण की मौसी थी, भगवान ने अनेक असुरों का मोक्ष किया, उनमें एक पूतना भी थी जिसको यह राक्षस योनि से मुक्त किया। बोलो पूतना माता की जय। हमने नंद जी का गौशाला है। नंद बाबा समय में 9 लाख गाय रहती थी और आज भी हजारों गाय इस गौशाला में रहती हैं, जो अभी जंगल गई हुई हैं। मथुरा की लड़की और गोकुल की गाय, करम भाग्य फूटे दूसरा गांव को जाए। चतुर्वेदी ब्राह्मण रहते हैं द्वारकाधीश टेम्पल पर, उनके यहाँ लड़कियों का शादी मथुरा होता है। और उसी प्रकार यहाँ गाँव में, गोकुल में गाय का बिक्री नहीं होता, जो लोग सेवा नहीं कर पाते हैं यहाँ गोकुल की गौशाला में देते। बोलो गौ माता की। तो आ गए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचीन जन्म स्थान श्री नंद भवन, 84 खंभा पुराना मंदिर है यहाँ पे, ये मेन गेट। तो हम अंदर चल रहे हैं। अब यमुना जी ने भगवान का रास्ता अवरुद्ध किया और चरण छूने के लिए आकार अपना बढ़ाया। बसदेव डूब गए, पुकार किया, ठाड़े बसदेव करे पुकार, कैसे जाए यमुना पर। तो बसदेव जी ने ऐसे करके भगवान को ऊपर किया है। तो भगवान की टोकरी से पैर लटका के उनको चरण स्पर्श किया। यमुना माता की जय। ये उस समय का फोटो है जब बसदेव जी भगवान को लेकर यहाँ मथुरा से गोकुल आ रहे हैं। इसमें 5 कलर का फूल आता है, लाल रंग का फल आता है। कार्तिक में, नवंबर में, 11 महीने वृक्ष ऐसा ही रहेगा। वृक्ष का नाम है पारस पीपल। भगवान ने कौन सी लीला की इसके नीचे बैठ करके, तो गाय चराने के बाद विश्राम किया करते थे, तो भगवान यहाँ शयन किया करते थे। तो ये वो लीला हुई और यहीं से भगवान ने सारी लीला को करने के लिए, जैसे गोवर्धन में पर्वत गए, वृंदावन में महाराज किया, बरसा में होली खेलने गए, तो यहीं से जाते थे विश्राम करने के लिए। ये शंकर जी आए हैं दर्शन के लिए, जैसे आप लोग आए हो अपने घर से, गाँव से, शहर से, जहाँ से भी आए। 33 कोटि देवी देवता कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप दर्शन के लिए गोकुल धाम आए। यशोदा सबको दर्शन करा रही है, भोलेनाथ को दर्शन नहीं कराया। भोलेनाथ ने यहाँ बैठ करके इसी स्थान ब्रज भूमि पर 3 दिन 3 रात्रि तपस्या किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भूमि का नाम हो गया शंकर तपोभूमि और शंकर भगवान का नाम हुआ नंदेश्वर महादेव। ये नंद बाबा का घर है जिसमें लगे 84 खंभे। आप गिनती करोगे, गिनती 84 नहीं होगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। 80 खंभे विश्वकर्मा लगाए जो देवताओं के इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट। विश्वकर्मा बोलते हैं, विश्वकर्मा को ग्रह शिल्पी भी बोला जाता है। क्या ब्रह्मा जी का सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये खंभा अक्षत 6000 वर्ष पुराना है। ये सब मूर्तियों को तोड़ दिया है। मुगल काल शासन में औरंगजेब नामक राजा ने सब मूर्तियों को खंडित किया है। ये टूटी पड़ी हुई मूर्ति है। खंभे चिकने पड़े हुए, मक्खन खाते थे कृष्ण, हाथ नहीं धोते थे। ऊपर वाला छत दिखाओ, काला पड़ा हुआ है। यशोदा जी गाय का दूध गर्म करते हैं ना, उससे छोरे दाव जी है, गर्भगृह है, सबको मंदिर अपने लेवल पर तोड़वा तो मंदिर टूट जाता है तो ठीक करा देते, पर इसको ठीक नहीं। हाँ, कृष्ण जी मक्खन खाते थे, हाथ नहीं धोते थे, इन्हीं खम्भों से बहुत गर्म। ये 4 पिलर ब्रह्मदेव के हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, इनमें सिंबल्स हैं, उनको आप अपना इसमें कैप्चर कीजिए। ये देखो अमृत का घड़ा, समुद्र मंथन हुआ था सतयुग में, ये शेष नाग का अमुक, ये रोप बनी हुई रस्सी, एक एंगल से देखो त्रिशूल और एक एंगल से रस्सी है। राम अवतार, सूर्यवंशी राम, सूर्य इसमें दिखाई देगा आपको। इसमें ये चिन्ह है, सिंबल, इसकी पहचान हुई है, सब खंडित हुआ है। अब वो कलयुग है, उसमें कोई सिंबल्स ही नहीं है,
ना कोई डिजाइन ना कोई आकार उसका, और वो खाली है क्योंकि भगवान का अवतार नहीं हुआ है कलयुग में। अच्छा ये घर देख रहे हो, भगवान का नंद भवन बोलते हैं, कृष्ण के माता पिता थे नंद यशोदा, या बलराम का जन्म हुआ और योग माया का भी जन्म हुआ। ये रास मंडल का नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, आज यहाँ बनता है होली, यहाँ बनता है, ये प्लेस है जहाँ आज आयोजन होता है। और इसको हमको पकड़ा जाओ, वो तो फोटो भेजता है, ओम भास्कराय नमः, ओम भवनेश्वराय नमः। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम बचपन में सीरियल्स में देखते थे, ये आज हम रियल में देख रहे हैं तो बहुत मजा आया, आनंद आया एकदम। मैं खुद ही पहले यूट्यूब पे या सीरियल्स वगैरह में आज भी देखते थे, मेरे दादाजी के वो दिखाते थे, आज खुद फर्स्ट टाइम नंद बाबा के घर पे, इनके घर पे आके देखा मैंने, कृष्ण जी कहाँ खेला करते थे, यहाँ तक कि जो वो धुआ वगैरह जाते हैं ना, वो जो चूल्हे वगैरह वो भी हमें दिखी, पूरी 6000 साल पुराना जो बना हुआ है ना पूरा का पूरा, बहुत अच्छा था। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।